राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, मैं आगरा से आई हूँ। मेरे एक प्रश्न है, हमारे एक प्रश्न है गुरुजी, कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है? क्या कष्ट है आपको? कष्ट ये है भगवान जी, मेरे पापा पता नहीं गलत चीजों में चले गए, मेरी माँ इतना पूजा पाठ करती है, एकादशी व्रत भी रहती है, वो आई हुई है वहाँ पे। पिताजी आए हैं आपके? पिताजी नहीं आए हैं, और उनसे जितना भी पूजा पाठ का कहो वो उससे ही दूर भगते हैं। हम लोग बहुत मन लगा के पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन पापा जी को किसी चीज की दिखती ही नहीं है। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पापा गार्ड हैं गुरु जी। तो शराब पीते हैं? जी हाँ, कभी कभी पीते हैं, और कभी वो जुआ जिसे बोलते हैं पत्ते खेलते हैं, वो खेलते हैं बहुत ज्यादा। आप ले आते तो हम बहुत अच्छे समझाते हैं उनको। गुरु जी हमने बोला था उनसे। चलो उनको बोलना कि, वैसे आपने तो बोला ही होगा, ले आना। आगरा से हैं आप? जी हाँ गुरु, तो पास में ही है, कभी भी आप ले आना। गुरु जी मेरी माँ भी आपसे मिलना चाहती है। हाँ तो मैया को तो मिला दो, पर पति देवता को ले आना। मैं आपके पिताजी को तो हम समझाएंगे, और समझाने के बाद फिर नहीं खेलेंगे ऐसी, हम आपसे वचन दे रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। आशीर्वाद तो है बेटा, पर देखो माँ बाप को पिता को गलत काम नहीं करने चाहिए, शराब जुआ। देखो बच्चे कितने प्रभावित होते हैं, बच्चों के भविष्य में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है उनके, केवल शिक्षा में ही नहीं बच्चों के संस्कारों में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बहुत जिम्मेदारी से अपने पिता और माँ का धर्म निभाएं, और गलत रास्ते पर कभी ना जाएं भूल कर। कोशिश करिएगा, उनसे बोलिएगा हमने बुलाया है, जरूर लेके आइएगा जैसे आए। गुरु जी मुझे आपको अपना गुरु बनाना है। ठीक है, वो तो आप बना लीजिएगा, पर अपने पिताजी को लाइएगा, हम समझाएंगे अच्छे से। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। हाँ मैया जी, मैं करमनासा से आई हूँ। गुरु जी आपकी जब से भागवत हम सुन रहे हैं बहुत खुश है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा से रह रहा है। गुरु जी मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं आपकी कथा में बताए हुए, सारे जो भी हैं सब अच्छे अच्छे रास्ते पे हमारे बच्चे चल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि माँ गुरु बहुत अच्छे हैं, जैसा चाहती थी वैसा आपको गुरु आज मिल गए। मैं आपके दर्शन करने के लिए बहुत परेशान थी, मैं कैसे आई हूँ गुरु जी ये तो मेरे बिहारी जी ही जानते हैं। गुरु जी कहाँ से आई हो मैया? करमनासा से आई हूँ। अच्छा गुरु जी, हमारे 3 बच्चे हैं, विनय, ओम और देव, तीनों बोले माँ आज तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। गुरु जी कहें जाइएगा तो नाम का उच्चारण मेरा भी करवा जी, वो भी बहुत आपकी कथा सुनते हैं। भगवान आपके बच्चों को सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, गुरु जी अगर एक स्त्री पूजा पाठ ना करे, पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, सत्संग ना करे, भजन कीर्तन ना करे, तो क्या उसकी गति हो सकती है? पति की सेवा ही सच्चे मन से कर ले तो गति हो जाएगी, केवल पति की। अनुसुईया माँ ने केवल पति की सेवा की, सावित्री ने केवल पति से प्रेम किया तो यमराज को भी वश में कर लिया। जी तो पति की सेवा परमेश्वर मान के करना है, पर ये पति नहीं है, मेरे पति के रूप में मुझे कौन प्राप्त हो गया? परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण या राम, जो आपको छवि बने, भगवान मान के सेवा करनी चाहिए। जी गुरु जी आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सारी कथाएं, रुकिए एक मिनट थोड़ा सा गुरु से बात कर लीजिए, बहुत दिन पे आए। जी रुकिए ना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी 1-2 लाइन का, सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हृदय में माँ लक्ष्मी गौरी, मुख में शारदा माताएं, मुख से जो भी वचन कहें वो वचन सिद्ध हो जाता है, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। जय श्री मन्नारायण गुरु जी। जी मैया। गुरु जी मेरा एक सवाल है, मैंने 1 साल पहले दीक्षा ली थी, लेकिन आप बोलते हैं झूठ नहीं बोलने के लिए। गुरु जी मुझे दिन में कम से कम 200 बार भी झूठ बोलना पड़ता है। क्या करती हो आप मैया? गुरु जी हमारे परचून की दुकानें हैं, अच्छा उस पे
पैसे रहते हुए पे भी दूसरे कोई आ जाए 10 बार खुले दे दो खुले दो, अब दूसरे को बांटते रहेंगे गुरु जी, तो फिर हम सामान वाले को जो हमसे सामान लेंगे उसको हम क्या देंगे। तो आप ये कह दिया करो कि भाई हमें जरूरत है हम आपको नहीं दे सकते, नहीं ऐसे बस ऐसा कह दे दो तो लड़ाई हो जाते हैं। गुरु जी कहते आप तो झूठ बोलती हो, रखते हुए पे दूसरे को दे रहे हो हमें नहीं दे रहे। नहीं आपको झूठ, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं उनसे ये बोलो कि भैया हमें लगेंगे अभी हम आपको नहीं दे सकते, इसमें झूठ क्या हो गया। नहीं बोलते हैं ना गुरु जी, तो वो अगले इंसान लड़ाई करने के लिए उतर जाते हैं ना। फिर तो लड़ने दो, आप अपना चुप रहो, उसका गुस्सा भड़ास निकाल के चला जाएगा। कब तक एक साल से मैं बहुत परेशान हूँ झूठ बोल के बहुत। नहीं इसमें झूठ बोलने की, और दूसरी बात ऐसे होते हैं अब देख रहे हैं सामने वाले आते हैं हमारे उधार लेने के लिए, अब सामान रहते हुए पे हमें मना करना पड़ता भैया नहीं है, क्यों वो अगले इंसान पैसे नहीं देंगे। क्यों पैसा नहीं देते ही नहीं, नहीं कहेंगे देंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को बोल दिया करिए भैया बाहर लिखवा दो, आज उधार आज नगद कल उधार। नहीं गुरु जी वो अब आ गए 10 आदमी मिलके लड़ने के लिए, तो कहाँ तक वो कर सकते। अरे तो काहे लड़ेंगे भाई, जबरदस्ती लड़के लेंगे सामान। जी ऐसे ही करते हैं, जब मतलब कोई आ गए 2-4 दारू गाजा पीने वाला गुरु जी, तो उससे तो हम क्या बोलेंगे बताइए, आप हमारे प्रश्न के जवाब दीजिए मुझे। दे रहे हैं जवाब जी, ऐसा है कि जब कोई दारू गांजा पी के आए जी, तो आप वहाँ पर कोई आपका बेटा बेटा कोई बैठता है। हम दोनों जने रहते हैं गुरुजी, हमारे पति और मैं दो ही जने रहते हैं। तो पति देव थोड़ा समझा दिया करें उनको तरीके से, लेकिन समझते नहीं अगले। फिर कोई बात नहीं, उनसे हाथ जोड़ के विदा करो, जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के मुंह लगने। कहते ना अपने यहाँ कहावत, कुत्तों के मुंह क्या लगे। जी तो कुत्तों के मुंह मत लगा। इसलिए मैं एक साल से बहुत परेशान हूँ, रोज झूठ बोलना पड़ता, दिन में झूठ ना बोला करो, यहाँ झूठ बिना बोले भी आपका काम हो जाएगा जी। ठीक है गुरु जी, एक सवाल और है गुरु जी, जैसे आप बोलते हैं एकादशी तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो वो नहीं डालते, तो जैसे आप किए थे पिछले उस दिन संडे को, हम लोग शनिवार को व्रत रह गए थे, ऐसे हुई थी निर्जला में गुरु जी, एक दिन आगे हम लोग रह गए थे। अगली बार से हम एक दिन पहले ही सूचना दे दी जी, क्यों हम लोग दशमी के रात में ही खाना पीना नहीं खाते हैं। मेरे को बोलना अच्छा, पर कछा में इतना डूब जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि क्या बोलना था। जी इससे मुझे दोस्तों नहीं लगेंगे, आप तो कोई बात नहीं और हम हमें याद था इस बार के, आप लोगों को बता दें कि एकादशी कब की है जी गुरु जी। सोच के आए थे याद था, पर कथा में ऐसे खो गए कि समय 3:30 घंटे निकल गए, जब उठ गए तब पता चला लो। फिर हमने प्रश्नोत्तरी में बताया था।